ये सबसे मेजर पार्ट है एलोकेशन ऑफ फंड्स. आपके पेरेंट्स ने आपको पैसा दे दिया कि ये लो बेटा आपने पढ़ लिया बीएससी इंस्टीट्यूट से, टेक्निकल आ गया, फंडामेंटल आ गया, ये लो 1,00,000 रुपए, अब आप कर लो. या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, वहां किसी क्लाइंट का आप पोर्टफोलियो संभालोगे, वो कहेंगे कि 10,00,000 का पोर्टफोलियो है, आप इसको संभालो. ठीक है, अब वो ये पहला काम है. अभी इन्वेस्टमेंट तो हुई नहीं, पता ही नहीं शेयर कौन सा खरीदना है, कब बेचना है. पहले तो बात ये आ रही है कि ये पैसा जिसने मुझे दे दिया 1,00,000 रुपया, ये मुझे लगाना क्या है, कैसे लगाना है. आज दे दिया मैंने 1,00,000 रुपए, आपके फादर ने दे दिया, कोर्स खत्म हो गया, प्रैक्टिकल हो गई, ट्रेनिंग हो गई, मनीष सर से भी ट्रेनिंग करके आ गए, अब करना है ना काम. 1,00,000 रुपए मिल गया, क्या करोगे? पहले रिसर्च करेंगे कंपनी की बैलेंस शीट वगैरह पढ़ेंगे, सब कुछ कर लिया, बैलेंस शीट भी पढ़ ली, रिसर्च भी कर लिया. अब ये 1,00,000 रुपया हमने 1, 2, 3 कंपनियों हमने रिसर्च भी कर ली, बैलेंस शीट पढ़ ली, और आप क्या कर रहे हैं? जो चीज ग्रो करी है, सेक्टर ग्रो कर रहा है, वहां के हाँ वो भी ग्रो वाला फिर नोट कर लिया. अब हम मनी डिवाइड करेंगे कि अलग अलग सेगमेंट बनाएंगे, कितना पैसा मैं यहाँ पे लगा रखा. बहुत बढ़िया, ये हमने ये भी कर लिया. अब सर ओवरऑल मार्केट ग्रोथ को भी देखेंगे, ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसे है, सर चार्ट देखना शुरू करेंगे. अगर हम चार्ट देखना शुरू करेंगे सर, इसके बाद तो पैसे के आगे की है. ठीक है, ये हमने सब नोट कर लिया, चार्ट भी देख लिए, फंडामेंटल्स भी देख लिए, पैटर्न भी देख लिए, अब क्या करूं, लगा दूं पैसे? लगा दूं तो चार्ट देख लिया तो लगा दो सर. यही नहीं, नहीं लगा. सबसे पहले स्विमिंग पूल में कूदने से पहले क्या करते हैं? डक चेक करते हैं, पहले डक चेक करते हैं ना, या पूछ भी लेते हैं, देख लेते हैं कहाँ कितना लिखा है, है? और उसके बाद कूदने से पहले ना ऐसे और करते हैं, अरे पानी कितना ठंडा है, ऐसे कूद जाओ. तो थर्मामीटर लगाना पड़ता ना, तो मार्केट में एक थर्मामीटर होता है, पहले उसको लगाओ. ठीक है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, पढ़ा होगा, पीई रेशियो बोलते हैं इसको. पीई रेशियो कितने चल रही है मार्केट में, राइट? तो सबसे पहले ये चेक करो कि मार्केट की पीई रेशियो क्या है. पहला स्टेप मार्केट में घुसने से पहले मार्केट की पीई रेशियो देखो क्या है. सब पूरी एनएससी की देखते हैं, मार्केट की मतलब निफ्टी की. अच्छा, निफ्टी की 26 से 25 अभी 27 है, 27 इसको मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी खींच रहा हूँ, लिखते जाना. अगर हमारी मार्केट की रेशो जो है वो 26 और 30 के बीच है, तो मुझे केवल 40% पैसा इन्वेस्ट करना है. अगर 22 और 26 के बीच में है, तो मुझे इसमें 20% और ऐड कर देना है. उसके बाद अगर ये 18 और 22 के बीच में है, तो मुझे 20% और ऐड करके इसको 80% कर देना है. और अगर ये बिलो 18 जाता है, तो मुझे इसको 90% कर देना. लास्ट का 10% कैश जो है वो कैश ही रहेगा, इसको हम संभाल के रखेंगे, कोई इन्वेस्टमेंट इसकी नहीं करेगी. क्लियर है? तो पेरेंट से पैसा मिला, तो पहले सबसे पहले ये चेक करेंगे कि भैया 1,00,000 रुपया मिल गया, लगाना कितना है. तो अब कितने लगाने हैं? 40. क्योंकि इस समय क्या चल रही है हमारी भी? 27. तो मुझे केवल 40,000 रुपया लगाना है. 60 क्या करूं? 60 सर सेफर साइड्स में अगर लगा सकते हैं, जहां थोड़ा इंटरेस्ट ठीक मिल रहा है. वेरी गुड, हम इसको डेट में डाल सकते हैं, लिक्विड में डाल सकते हैं. ठीक है, ऐसा करने से आपका जहां वर्किंग हो वो भी, और आपके पेरेंट्स भी ये समझेंगे कि हाँ आपने वाकई में पढ़ाई करी है, और आपने समझदारी के साथ आप इन्वेस्ट कर रहे हो. वो आपसे पूछेंगे कि बेटा ये 60 आपने अलग रखा है, आपने 40 मिनट से लिया है, बाकी के इन्वेस्टमेंट कब करोगे? नहीं, जब ये पीई रेशियो नीचे आएगी, मैं डेट से 20,000 रुपया निकालूंगा. मान लो 1,00,000 रुपया दिया, 40 यहां लगा दिया, डेट में डाल दिया 60. ठीक है, उसके बाद जैसे ही मार्केट गिरा, पीई रेशियो 22 से 26 आ गया,
हमने अपनी 20% की इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी, फिर 18 से 22 आया हमने उसको 80 कर दिया, बिलो 18 आया 90 कर दिया, और 90 के 18 के नीचे भी आया तो बस हमने अब 10% पैसा हाथ में रखना है और हमने आराम से बैठना, हो सकता है 2 महीने, हो सकता है 3 महीने, हो सकता है 6 महीने, यहां से मार्केट ने बाउंस बैक करना है। करेक्शन हो सर, अगर ये सब निफ्टी की बात कर रहे हैं, अगर हम इंडिविजुअल स्टॉक देखें, सपोज सर मारुति सुजुकी का स्टॉक देखें, उसके पी रेशियो अगर कम है, अगर 18-22 के बीच में है, तो हमें 80% पैसा पुल कर देना चाहिए अगर नहीं कि मार्केट के लिए ओवरऑल ओवरऑल अगर मेरे पोर्टफोलियो में एक ही शेयर है तो मुझे एक ही बाय करना है, मुझे एक ही बाय करना है तो इंडिविजुअली पी देखूंगा तब भी मार्केट ही देखूंगा, मार्केट की पहले पी, पहले मार्केट और उसके बाद ठीक है, आप वापस जैसे 26 हो जाए, आप 8 लाख को का 40% रहने दो, बाकी आउट कर लो, फिर उसको 40 पे ले आओ। तो ये इंटेलिजेंसी आपको यूज करनी है ड्यूरिंग इन्वेस्टमेंट, अगर आप ऐसा करोगे तो डेफिनेटली पैसा कमाओगे। एलोकेशन गलत हो गई तो लाख टेक्निकल पढ़ लिया, लाख आपने फंडामेंटल पढ़ लिया, आप रिटर्न नहीं निकाल पाओगे। एग्जाम्पल दे देता हूं सर, पीई रेशियो मतलब बाउंस बैक करती है करती रहती है, ये पूरा चार्ट मिल जाएगा आपको एनएससी के उसके ऊपर 14-15 पीई चल रही है, तो सबसे बेस्ट है कि 100% पैसा डाल दो उसमें, क्योंकि उस टाइम में बहुत बेस्ट चल रही है। नहीं, ये मैं यहाँ पर क्लियर करता हूँ अभी आपको, फिर वो बड़ा हो जाएगा बहुत, तो कोई बात नहीं। अब ये देखो, अब अगर 100 रुपए का शेयर है, मैंने 1000 शेयर परचेज कर लिए, मेरे को 1,00,000 रुपया दिया मेरे फादर ने कि बेटा इन्वेस्ट कर दे, मैंने फंडामेंटल निकाला, टेक्निकल निकाला, पर्टिकुलर एबीसी को स्टॉक है ये मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने 100 शेयर के हिसाब से 1000, 100 रुपए के हिसाब से 1000 शेयर में 1,00,000 रुपए डाल दिया, ठीक है। उसके बाद खबर आई कि कोई बैड न्यूज, सही मोदी जी को की तबीयत खराब, ठीक, क्या होगा मार्केट क्रैश हो जाएगी, क्रैश हो जाएगी, पी वैल्यू कम हुआ, क्या ये 100 की जगह रेट आया 80 फिर आ गया 60 फिर आ गया 50, पता लगा 6 महीने के अंदर मेरा पैसा आधा हो गया। अब क्या हुआ, वापस ठीक हुआ, मोदी जी रिकवर कर रहे हैं, ओके हो गया जी, सब ठीक है, और ये फिर बढ़ना शुरू हो गया, और ये बढ़ के वापिस 120 रुपए हो गया एक साल के अंदर, यार कहीं तो मैंने आधे पैसे कर दिए थे, अब चल यार पैसे रिकवर हो गए, ऊपर से 20% की रिटर्न आ गई, बहुत है निकलो, ये होता है क्योंकि आदमी तंग आ जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, ठीक है। अब क्या हुआ, ऐसे में ही एक बंदा और था, उसने भी 1,00,000 रुपए को डालना था, तो उसने क्या किया, 100 रुपए में केवल 400 शेयर खरीदे, 80 आया उसने 200 और लिए, फिर 80 आया फिर 60 आया उसने 200 और ले लिए, 50 आया कितने हो गए 600 75 रुपए की एवरेज, इसका मान हो गया 120 रुपए, इसका तो 80% की रिटर्न बन गई, इसकी रिटर्न कितनी बन गई, और इसकी कितनी बनी 20%,
दोनों ने शेयर एक ही खरीदा, उतना ही पैसा लगाया और उतना ही टाइम दिया, ठीक है, ये कमाल है इसका, ठीक है, ये देख रहे हो कितनी जबरदस्त चेंज है, और शेयरों में कोई चेंज नहीं, टाइम में कोई चेंज नहीं किया ना।